हेलो फूडीज, हाय। मैं आपका होस्ट और दोस्त सौरभ। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मनसाराम पार्क के स्वीट शॉप में, जो कि काफ़ी फेमस है। राधिका स्वीट शॉप नाम है इसका। तो यहाँ से आप लोकेशन देख सकते हैं, जो पिलर नंबर है, पिलर नंबर 751 के पास से इस जो ये लोकेशन है, जो पूरी लोकेशन है, ये यहाँ से सीधी रोड है। यहाँ से लगभग 100 मीटर का रास्ता है, 100 से 150 मीटर। हम आ चुके हैं हम राधिका स्वीट्स में, तो जल्दी मिलते हैं हम ओनर से। हेलो। हाँ जी सर, आपकी शॉप के बारे में बताइए सर, राधिका स्वीट्स के बारे में कुछ। ये हमारी 7-8 साल पुरानी दुकान है यहाँ पर। हाँ जी। और सारी मिठाइयाँ जो भी होती हैं हम अपनी बना करके सेल करते हैं। बाजार का हमको रेडीमेड सब कुछ बना करके बेचते हैं, अपना ही माल बना कर खुद ही बेचते हैं। मतलब मनसाराम की ये सबसे पुरानी दुकान है एक तरह से। शॉप से सब मतलब ये मान के चलिए संध्या बाजार रोड से लेकर वहाँ से सैनिक नगर में सबसे पुरानी दुकान हमारी है। हाँ जी। और यहाँ पर वैरायटीज में क्या क्या मिलता है, जैसे स्वीट्स के अलावा? जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी अच्छी तरह की स्वीट्स हैं, और स्वीट्स के अलावा जैसे आप रोजमर्रा के में छोले भटूरे, कचौड़ी, समोसे और कन्फेक्शनरी सारी चीज़ें रखते हैं। शाम को जलेबियाँ होती हैं। हाँ जी। देसी घी में जलेबियाँ रखती हैं, गुलाब जामुन होते हैं। और कैश पेमेंट के अलावा आप पेटीएम सब यूज़ करते हैं? ऑनलाइन सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो एक बार मैं नज़र कर लेता हूँ कचौड़ी और जलेबी की तरफ भी। चलिए अब हम सब्जी को देखते हैं। जो ये आलू की सब्जी है, जिसको हम कचौड़ी के साथ और समोसे के साथ या ब्रेड पकोड़े के साथ यूज़ करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी हुई है। इसमें इन्होंने हींग का प्रयोग भी अच्छा खासा किया हुआ है, और साथ में ये ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, एकदम एक इक्वल क्वांटिटी में बनी हुई है। और इसका जो अरोमा भी आ रहा है बहुत ही बढ़िया किस्म का आ रहा है, एकदम गर्मा गर्म सब्जी है। जब इसको कचौड़ी के साथ गर्म का गर्म खाएंगे तो हम बहुत ही अच्छा फील होता है इसको खाने से। तो देख ही लीजिए आप, आपके सामने ही है ये सब्जी। ये कचौड़ी है गर्मा गर्म। इसमें क्या फील करते हो आप कचौड़ी के अंदर? दाल। दाल कौन सी दाल? दाल। अच्छा। और कचौड़ी 2 पीस 20 रुपये में ही आपने रखा हुआ है? 20 रुपये। और समोसा 10 रुपये का, मतलब रीजनेबल रेट काफ़ी आपने रखे हुए हैं इसमें। और ये ब्रेड पकौड़ा? ब्रेड 15 रुपये का है, 15 रुपये का। हाँ जी। इसके अलावा आप छोले भटूरे भी बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा, मतलब साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है इधर। हाँ जी। अपना काम आराम से। ये देखिए गर्मा गर्म समोसे बन रहे हैं। तो ये समोसे आप चटनी के साथ ही देते हैं या आलू के साथ भी अगर मांगे तो कोई देते हैं? आलू के साथ। अच्छा। और ये छोले भटूरे के छोले भी इन्होंने तैयार कर रखे हैं। छोले में आप क्या क्या डालते हैं, कुछ स्पेशलिटी? छोले में पनीर है। हाँ जी। अपने टमाटर, अदरक वगैरह सारी चीज का वो डालते हैं। हाँ जी। बढ़िया अपने जायका बना के। 8 समोसा पैक कर दिए। देखिए समोसे, छोले की ग्रेवी देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ग्रेवी आई हुई है इसमें। आप समझ ही सकते हैं कि कितने लजीज बने होंगे ये। अब शुरू हो रहे हैं भटूरे। ये भटूरे इन्होंने डाले कढ़ाई में। देखिए कितना एकदम फ्लफी से हो रहे हैं।
मतलब काफ़ी अच्छा स्वाद है। आप यहाँ नज़दीक से आ सकते हैं मेट्रो स्टेशन से काफ़ी, और लगभग यहाँ सुबह के समय तो भीड़ ही लगी रहती है दुकान पर, एक के बाद एक ग्राहक आते रहते हैं। स्वाद इनका बहुत बढ़िया है। आप देख रहे हैं इसकी शेप भी काफ़ी बड़ी है, और ये है कि एक प्लेट से आपका पेट आराम से भर जाएगा। और 30 रुपये की प्लेट है, नॉर्मल रेट है, और कोई ज़्यादा इन्होंने रेट नहीं रखे हुए। महंगाई होने के बावजूद भी इन्होंने रेट अपने रीजनेबल ही रखे हैं, ये इनकी खासियत है। अब देखिए कितना भटूरा कितना बढ़िया निकल के आया है। तो चलिए यहाँ कुछ लेने आए हैं सामान, इनसे भी पूछते हैं कि क्या लेने आए हैं। हाँ जी भैया, आप क्या लेने आए हो? मैं समोसे और ब्रेड लेने आया। आप रेगुलर यहीं से लेते हो? कैसा स्वाद लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। हाँ मतलब घर वाले भी सारे इन्हीं की दुकान का प्रेफर करते होंगे होंगे। तो ये लगभग आप कितने सालों से ले रहे हो? 5-6 साल से। तो इनका भी व्यू मैंने लिया है कि काफ़ी अच्छा स्वाद इन्हें लगा है। आप देखिए ब्रेड लेने आए हैं, ये ब्रेड पकौड़ा, काफ़ी अच्छा व्यू है। तो इनसे हमने मुलाकात की आज, ये ओनर हैं और दूसरे ओनर ये हमारे सर हैं। तो सर आप अपने व्यूअर्स के लिए, जैसे कोई कस्टमर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कस्टमर तो ठीक हमारे चलते रहते हैं, बढ़िया कस्टमर को देते हैं, हम स्वाद भी देते हैं अच्छा उनको। कस्टमर हमारे आते हैं, लाइक करते हैं काफ़ी, काफ़ी बढ़िया आइटम देखते हैं हम। समोसा है, ब्रेड है, कचौड़ी है, यहाँ पे लाइन लगी रहती है उसकी। हाँ जी हाँ, काम तक इसका अच्छा काम रहता है हमारा। मतलब हम चाहते हैं कि अब और जनता इनको देखे और अच्छा रिस्पॉन्स दे। देखिए एक के बाद एक भीड़ आ रही है इधर। तो चलिए हम अपने दर्शकों से यही बोलेंगे कि यहाँ आइए और एक बार इन्हें सेवा का अवश्य मौका दीजिए। धन्यवाद।